गौ एकादश रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है और द्वादश आदित्यों की बहन है। वो प्रजाओं की प्राणी है और अमृत की नाभि है। अधिक क्या कहें, स्वयं सर्वशक्तिमान श्री विष्णु भी यहां आकर गोपाल बने। जहां गायें निर्भय होकर सांस लेती हैं, वो देश सुखी रहता है। जिस घर में गाय नहीं, वो श्मशान तुल्य है। निर्दोष देव, मात्र स्वरूप गाय को मत मारो। स्वकृतस्य फलं भुक्ते नान्यस्तद् भोक्तुमर्हति। अब इसे संयोग कहें या गोपाष्टमी पर संसद के सामने निहत्थे गोभक्त साधुओं और गोमाता पर गोलियां चलवाने वाली इंदिरा के कर्म का विधान, गोरे अंग्रेजों के अत्याचार, उनके भूरे साहिबों के मनमाने हिंदू विरोधी कानून और अब सेक्युलर तंत्र के घमंडी अफसरों की क्रूरता। हिंदुओं का रक्तपात तो जैसे एक साधारण सी बात बन गई है। कौन है ये विद्वान जिसने ईश्वर धर्मविहीन पाश्चात्य दर्शन का उत्तर राम राज्य के रूप में प्रस्तुत किया? कौन है ये सन्यासी जो अपने तप और ज्ञान के बल पर धर्म सम्राट कहलाया? कौन है ये दंडी स्वामी जो नेहरू इंदिरा के वर्चस्व काल में अखंड भारत और गौ रक्षार्थ हजारों लाखों हिंदुओं को साथ लेकर सत्ता से यूं निडर भिड़ गया? इतिहास साक्षी है कि जब भी ऋषियों मुनियों की इस पूज्य भूमि भारत में वैदिक सनातन धर्म का क्षय हुआ है, तब तब यहां धर्म रक्षार्थ कोई ईश्वरीय विभूति अवतरित हुई है। कुमार कार्तिकेय कुमारिल्ल भट्ट बने तो ब्रह्मदेव मंडन मिश्र के रूप में आए। स्वयं भगवान शंकर आदि शंकराचार्य बनकर अवतीर्ण हुए और इसी परंपरा में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहां जन्मे अभिनव शंकर धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। भटनी के सरयुपरीण ब्राह्मण पंडित रामनिधि ओझा के सबसे छोटे पुत्र हर नारायण की प्रकृति बचपन से ही कुछ विलक्षण सी थी। घंटों एकांत में बैठे रहना, आगंतुक साधुओं को देख उनके संग लग जाना, मानो संसार की क्षणभंगुरता से पूर्णतः विरक्त हो। परिवार का मोह त्याग 19 वर्षीय हर नारायण घर से निकल पड़े। बंधनों से मुक्त वे गंगा किनारे स्वच्छंद बढ़े जा रहे थे। सहसा ही उन्होंने स्वयं को परम सिद्ध तपस्वी शंकर सन्यासी स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के सम्मुख खड़ा पाया। उनकी प्रेरणा से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वे हर नारायण से हरिहर चैतन्य बने और विद्याध्ययन हेतु नरवर की ओर चल दिए। उन्होंने षड दर्शनाचार्य श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज को अपना विद्या गुरु वरण किया। जो एक बार पढ़ सुन लेते उन्हें सदा स्मरण रहता। पहले 11 माह तक व्याकरण शास्त्र और फिर 13 माह में ही उन्होंने दर्शन, वेद वेदांत, प्रस्थानत्रयी आदि संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया।
वैराग्य की वृत्ति अब और तीव्र हो चली थी। गंगा किनारे पैदल चलते हुए वे ऋषिकेश पहुंचे और हिमाच्छादित हिमालय की तलहटियों में तरुण तपस्वी हरिहर चैतन्य अपनी साधना में लीन हुए। अपने देह की ममता त्याग कर वे अपनी भूख और प्यास का हनन कर रहे थे। तीन वर्ष की कठोर साधना के पश्चात उनकी तपस्या सफल हुई। तुम्हें संसार से विमुख न होकर भारतवर्ष में धर्म संस्थापनार्थ सतत प्रयास करने हैं। हरिहर चैतन्य को अपने जीवन का ध्येय प्राप्त हो गया था। मात्र एक लंगोटी बांधे, अचला ओढ़े, मिट्टी की एक हांडी लिए परमहंसी अवस्था में वे नरवर पहुंचे। जितनी उत्कृष्ट महाराज की साधना थी, उतने ही कठिन थे उनके नियम। कितनी भी भीषण सर्दी, गर्मी या बरसात हो, वे प्रायः बस एक चद्दर ओढ़कर सो जाते। प्रातः 1 बजे उठ जाते और दिन में 3 बार पूजा अर्चना करते। लगभग 3 घंटे अनवरत शीर्षासन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। हर किसी कुएं का तो जल भी ग्रहण नहीं करते। पवित्र सदाचारी ब्राह्मणों के घर ही भिक्षा मांगते और हाथ पर रखकर बिना पात्र भोजन ग्रहण करते। लोग उन्हें करपात्री कहने लगे। मात्र 24 वर्ष की आयु में स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से दंड ग्रहण कर वे हरिहरानंद सरस्वती कहलाए। यूं तो भारत में अनेकों ऐसे संत महात्मा हुए जिनका आध्यात्मिक तप व ज्ञान विशिष्ट था, लेकिन करपात्री महाराज ने विभिन्न क्षेत्रों में धर्म संस्थापनार्थ जो सामाजिक अभिदान दिया, वो उन्हें सबसे विशेष बनाता है। 1940 के दशक में जहां एक ओर गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रपंच ने भारत के विघटन को अपरिहार्य बना दिया था, वहीं दूसरी ओर देश के तथाकथित प्रगतिशील व उदारवादी नेता धर्मशास्त्रों पर कुठाराघात कर हिंदू जाति का समूल नाश करने को आतुर थे। एक धर्म सापेक्ष सभ्यता के धर्मशास्त्रों को संहिताबद्ध कर सरकार मनमाना हिंदू कोड बना रही थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे मनुस्मृति तक जला देने वाले धर्मज्ञान शून्य अंबेडकर। कुछ हिंदू नेताओं ने विरोध किया भी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के द्योतक नेहरू और तथाकथित समाज सुधारक अंबेडकर की हट के आगे सब झुकने को विवश हो जाते। घटती हिंदू प्रजनन दर, भूमिहीनता, संयुक्त परिवार का विघटन, विवाह विच्छेद, व्यभिचार, संस्कार विहीन नई पीढ़ी और आधुनिकता की वेदी पर धर्म का क्षय, ये सब हिंदू कोड बिल के सीधे दुष्परिणाम हैं। यही कारण है कि सभ्यताओं के इस युद्ध में आज हिंदू दीनहीन और दुर्बल है। लेकिन ऐसे में कोई निर्भीकता से शास्त्रों की शाश्वतता पर अड़िग रहा तो वे थे धर्म सम्राट करपात्री महाराज। उनके नेतृत्व में धर्म संघ ने हिंदू लॉ कमिटी का समूचे भारत में प्रखर विरोध किया। इतना बड़ा विरोध भारत में किसी भी बिल का कभी नहीं देखा सुना गया था। किसी भी शासक को हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। परिषद विधान निर्णेत्री है, विधान निर्मात्री नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर, विस्थापित कश्मीरी पंडित, अवैध घुसपैठ,
पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए हिंदुओं का नरसंहार, 1947 में हुए विभाजन का दंश भारत आज भी झेल रहा है। सन 1940 में लीग ने जब लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान की मांग रख दी थी, कांग्रेस निश्चिंत थी, लेकिन धर्म सम्राट अपने ध्येय से नहीं डिगे और जमीन पर दशक भर कई सक्रिय आंदोलन खड़े किए। उन्होंने अकेले ही हिंदू जाति के उसकी पुण्य भूमि पर अधिकार के अपहरण का मनसा वाचा कर्मणा विरोध किया। महाराज ने जनसामान्य को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए एक विशेष मार्ग चुना। उन्होंने सन 1932 से ही संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों पैदल यात्राएं शुरू कर दी थी और अपने अलौकिक आध्यात्मिक प्रयासों से भारत में लुप्त हो चुकी यज्ञाग्नि को पुनः प्रज्वलित किया, जिसमें करोड़ों हिंदुओं ने अपने इष्ट को भारत की स्वतंत्रता के लिए आहुति दी। अधार्मिक बिल रद्द हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, विद्या शास्त्रीय हो, गोवध बंद हो, भारत अखंड हो। भारत की अखंडता सर्वविधि अक्षुण्ण रखी जाए, इस देश को खंड खंड या हिस्सा बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। राजा गांधी का यह समझौता ही एक विद्रोह है, जिसका सामना हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब करपात्री महाराज स्वतंत्र भारत के प्रथम बंदी के रूप में लाहौर जेल की उस कोठरी में बंद थे, जिसमें सरदार भगत सिंह ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। यातनाएं बड़ी भयंकर थी और परिस्थितियां अत्यंत कठिन। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अवश्य रुक जाता, परंतु करपात्री महाराज